आदमी के मुंह के ऊपर एक ही बात है कि वो गाड़ी आ रही है और एक ड्रामा, और एक आदमी गाड़ी के ऊपर और लट लेके जिस तरह के घटना को अंजाम दे रहा है, ऐसी कौन सी नौबत आई आपने जो सीधी गोली का उपयोग किया है? और गोली चलाने के बाद में नियम में बंधे हुई है पुलिस, उस तमाम सुप्रीम कोर्ट और नियम की गाइडलाइन के अनुसार। और रही बात सीबीआई की, इसमें पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं, सभी मिलकर उन परिवार को न्याय दिलाए ताकि बाड़मेर में मिसाल कायम हो कि अगर कोई ऐसी घटना में हिम्मत नहीं करे और न्यायिक जांच तुरंत की जाए। मुख्यमंत्री जी से हम प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे और सीबीआई की जो बात आई है वो हमने भी निवेदन किया है, और सेंट्रल में जो पावर में है अगर वो करवाना चाहते हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में न्यायिक जांच है तो हम साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और जब तक ये न्याय नहीं होगा हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये सवाल पक्ष विपक्ष या कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये न्याय और अन्याय का है। और उन बेचारे की हत्या क्यों की गई, उनके साथ में कौन सा षड्यंत्र किया गया, इन बात के खुलासे के लिए आज हमने जो बात की है, लोगों में कई तरह की अटकलें, कई तरह की शंकाएं, लेकिन मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से समाज बंधुओं से, प्रदेश की 37 कौम की आवाम जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जमीनी स्तर से जो शुरुआत की है, मैंने गरीबी और दुख देखे और धरातल से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता से आज दूसरी बार विधानसभा में पहुंचा हूं, तो मैंने पहले भी कहा कि मैंने आम न्याय के लिए और आम आदमी गरीब और उन हक की लड़ाई के लिए आगे जेल भी मैं गया हूं, और आज भी कहता हूं कि न्याय के लिए हम प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमें उम्मीद है उसके उपरांत भी अगर दबाव में न्याय नहीं मिला तो जो जनता की, समाज की, 37 कौम की भावना होगी, हमने पहले भी सड़क के ऊपर संघर्ष किया है और जरूरत पड़ी तो संघर्ष में भी पीछे हटने वाले नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं कोई दबाव में न्याय के लिए पहले भी परिवार के साथ में, न्याय के साथ में था, आज भी हूं, और सभी से निवेदन करता हूं कि जो जिसकी भावना है हर प्रदेश में, हर जिले ब्लॉक से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और आगे आप ज्ञापन भेजें और सभी मांग करें कि उन परिवार को जल्दी न्याय मिले और बदमाश दोषियों को कड़ी सजा मिले। और मैं 37 कौम से निवेदन करता हूं, कमलेश प्रजापति भले ही एक समाज का जन्म भले ही लिया है, लेकिन ये लड़ाई 37 कौम की है, न्याय की है, और मैं आपके माध्यम से और भी क्या इन इतने दिनों में उन 16 नियमों के तहत पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया है, और हम प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री मिलकर उम्मीद करते हैं और हम साथ हैं कि हमें न्याय मिले और हमें सड़कों के ऊपर उतरने के लिए मजबूर मत करें, ये हम उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं।
और मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन निर्दोष व्यक्ति को षड्यंत्र पूर्वक वीडियो में खुला दिख रहा है। मैं कहूं या नहीं कहूं, लेकिन आम आदमी का मुंह से एक ही बात निकल रही है, मारने की नौबत क्यों आई, इन बात का खुलासा हो।